हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डायरेक्टली वेबसाइट से इमेजेस को डाउनलोड एंड शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी चेक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको प्रोडक्ट को ओपन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ओपन हो जाने के बाद में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो डाउनलोड की एरो है, इस पे आपको क्लिक करना होगा और डाउनलोड पे क्लिक करना है। इससे उस प्रोडक्ट की इमेज आपके डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और इंक्वायरी करनी है, तो बॉटम राइट कॉर्नर पे जो ग्रीन कलर का व्हाट्सएप का बटन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और पॉपअप के अंदर जो ये लिंक दिया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐसा करने पे उस प्रोडक्ट का टाइटल और लिंक हमारे पास आ जाएगा। ये आपने हमें सेंड करना है और जो भी इंक्वायरी आपकी है वो नेक्स्ट मैसेज में आप हमको लिख के भेज देनी है। अगर आपने किसी कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट की इमेजेस को एक साथ डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट की कैटेगरी पे जाना होगा। आपने मेन्यू पे क्लिक करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को ओपन कर लेना है। प्रोडक्ट की कैटेगरी ओपन होने के बाद में आपने ग्रीन कलर के बटन डाउनलोड फॉर रीसेलिंग पे क्लिक करना है। इससे आपको आपका फ़ोन एक अलर्ट देगा कि सभी इमेजेस डाउनलोड करनी है या नहीं। आपने ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि एक बार में 10 इमेजेस ही डाउनलोड होती है। 10 डाउनलोड होने के बाद में आपको ये दोबारा से अलर्ट दिखाएगा, आपने इसको फिर से अलाउ करना है ताकि सारी इमेजेस आपके पास में डाउनलोड हो सके। अगर आप व्यू अवेलेबल स्टॉक के ग्रीन बटन पे क्लिक करके सारा अवेलेबल स्टॉक एक साथ ओपन करते हो, तो यहाँ पे जो ये बिग बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, आप इस पर भी क्लिक करके वो सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको फिर से वही अलर्ट दिखाएगा, आपने इसको ओके कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।